तो गाइस हम लोग लास्ट टॉपिक देख रहे थे, थोड़ा सा हम लोग टेम्परेचर के बारे में देख रहे थे, तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर के बारे में पता है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म होए तो उसको भी मेजर करने के लिए काम आता है टेम्परेचर, समझ में। बस सिर्फ गर्म की चीज़ को मेजर करना नहीं बेटा, ठंडी की कोई चीज़ कितनी ठंडी है उसको भी मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टेम्परेचर ही। उसको भी टेम्परेचर ही बोलेंगे डिग्री सेल्सियस। अगर कोई चीज़ एकदम ठंडी रहेगी तो कितना हो जाएगा, -50 डिग्री सेल्सियस, एकदम ठंडी रही तो ठीक है। कोई चीज एकदम गर्म रहेगी तो 100 डिग्री 200 डिग्री, समझ में। बस तो टेम्परेचर क्या होता है मालूम, कोई सी भी चीज कितनी गर्म है उसको भी मेजर करते हैं, और कोई सी भी चीज कितनी ठंडी है उसको भी क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। सवाल पैदा होता है कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, तो बेटा देखो टेम्परेचर का 3 यूनिट होता है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, जो तुम लोग को पता है ऑलरेडी। दूसरा वाला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये क्या होता है मैं बताऊंगा। तीसरा वाला होता है केल्विन, समझ में आ गई बात। तो टेम्परेचर का कितना यूनिट होता है, 3 यूनिट होते हैं, पहला वाला सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन। अब देखो इधर पे कुछ रिलेशन है, ठीक है, कि हम लोग कोई सा भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा ना तो हम लोग फ़ारेनहाइट से कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये रिलेशन आप लोग को नजर आ रहा है कि फ़ारेनहाइट के लिए क्या करने का, 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32, समझ में आई बात। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल दिया है मेरे को 2 डिग्री सेल्सियस, इसको किस में कन्वर्ट करने मालूम, अभी तो डिग्री सेल्सियस में ना, अब इसको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, सही है। और ये जो डिग्री सेल्सियस आप लोग को दिख रहे हैं ना, इधर पे आप लोग क्या करेंगे मालूम, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसकी वैल्यू इधर पे पुट करेंगे, समझ में आ गई बात। ये जो डिग्री सेल्सियस दिया है ना, तो जितना भी डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया है आप लोग क्या करेंगे, उसको इधर पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और प्लस किससे ऐड कर देंगे हम लोग, 32 से ऐड कर देंगे, समझ में आ गई बात। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 2 का कितना हो जाएगा, 18/5 प्लस कितना हो जाएगा, 32, 9 2 18/5 + 32, ये कितना होएगा, ये 5 उधर पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पहले सिर्फ इसके नीचे लिखा है, जब ये 5 उधर मल्टीप्लाई करेगा ना तो ऐसा दोनों के नीचे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, समझ में आ गई भाई बात। तो 5 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 32 5 का कितना हो जाएगा, तो 32 10 3 20 होता है, 5 का मतलब उसका आधा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 160, और 160 में हम लोग क्या ऐड कर लेंगे, 18, तो ये हो जाएगा हम लोग का 178 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 15, और 15 को डिवाइड कर लो 178 से, तो 15 को डिवाइड कर लूंगा मैं 178 से, 15 1 15 2 बचा 8 उतारे, 15 1 15 13 बचा, पॉइंट उतारे 0 लगाए, समझ में आगे बात, पॉइंट उतारते 0 लगाते आप लोगों को पता होगा, ठीक है। फिर 15 8 से हम लोग का हो जाता है 120 135 150, सही है। तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर पॉइंट है तो 0 लगाएंगे, 100 से कम कौन सा हो जाते हैं, 6 हम लोग का होता है 90, लगभग पॉइंट के बाद 2 ले लिए तो बहुत है, तो ये कितना हो जाएगा मालूम, ये हो जाएगा 11.86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे फ़ारेनहाइट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग फ़ारेनहाइट को, सॉरी डिग्री सेल्सियस को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ में आगे बात। तो ये तो बात हो गई थी फ़ारेनहाइट की, आप लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 9/5 + डिग्री सेल्सियस + 32, और ये डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप लोग इधर पे पुट कर लेंगे, जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा ना तो वो आप इधर पे पुट कर लेंगे और सॉल्व आउट कर लेंगे, समझ में आगे बात। सवाल पे तो होता है केल्विन का क्या होता है, केल्विन का तो केल्विन का देख लो गाइस, तो केल्विन इज इक्वल टू, जैसे 2 डिग्री सेल्सियस दिया था, तो ये 2, ये जो डिग्री सेल्सियस है ना इसकी जगह पे मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा, तो ये डिग्री सेल्सियस की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 273, तो ये हो जाएगा हम लोग का केल्विन, 275 केल्विन, मतलब ये हो जाएगा 275 केल्विन, और ये कितना हो गया था, 11.86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, समझ में आ गया बात। मतलब इनिशियली क्या होता है मालूम, जब 0 डिग्री सेल्सियस रहता है ना तो 273 केल्विन होता है, समझ में ही मत, जब 1 डिग्री सेल्सियस रहता है तो ये हो जाता है 274 केल्विन होता है, जब 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो 275 केल्विन होएगा, एक एक बढ़ते जाता है, 0 डिग्री हमेशा याद रखना 273 केल्विन से स्टार्ट होती है, तो 10 डिग्री कितनी होगी, तो 273 में 10 ऐड कर दो 283, 20 डिग्री कितनी रहेगी, तो क्या करना, 0 डिग्री में क्या करेंगे 273 उसमें 20 ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 293, मतलब क्या 3 डिग्री, तो ये जो 0 दिया है ना उसमें 3 ऐड कर लो, तो 0 में कितना केल्विन होता था 273, 3 ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा 276, 4 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये जो 0 में 273 दिया है ना उसमें 4 ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 277 केल्विन, मतलब जितना डिग्री हम लोग को दिया रहता है उसमें खाली 273 ऐड करते जाने का, समझ में आया। जैसे 10 डिग्री पूछा है तो 10 में क्या करेंगे 273 ऐड कर लेंगे,
तो गाइस एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग की बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक के पीछे दिए न्यूमेरिकल्स, हम लोग उसको सॉल्व आउट कर लेते, फिर हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो ये आप लोग कॉपी कर लेना, मैंने आप लोग को बता दिया कि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसका यूनिट होता है केल्विन, उसका यूनिट होता है क्या, फॉर्मूला रहता है बेसिक सा, वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बुक के पीछे का कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है पेज नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर एच, ये आप लोगों को नजर आ रहेगा, पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन नंबर एच, मतलब ये लगभग क्वेश्चन नंबर 4 का एच है, ठीक है? तो मैं हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के एच पे, समझ में आ गई बात? क्या क्वेश्चन दिया मैं पढ़ता हूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब अभी क्या मालूम डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको किसमें कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहला हम लोग को बोलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, बोलते हैं भाई इसको कन्वर्ट करें तो फ़ारेनहाइट में, तो मैंने बताया था फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो इसको मैं पुट करूंगा इधर पे, 9/5 फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला पुट करता हूं मैं इधर पे, कितना होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा 32, ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला है, समझ में आ गई बात? और ये जो डिग्री सेल्सियस है ना इस पे उसकी वैल्यू लगाने का, जितना भी डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं उसकी वैल्यू लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 40 है प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, समझ में आ गई बात? ये कैंसिलेशन होता है क्या, 5 1 मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, 5 8 से हो जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई में तो कट जाता है, 9 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 72 मिलेगा प्लस 32, और 72 प्लस 32 कितना हो जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हम लोग को दिया था डिग्री सेल्सियस में, तो हम लोग ने आंसर कर लिया, चेक कर लेते हैं आंसर सही है क्या, 104 फ़ारेनहाइट, इधर पे आप लोग को दिख रहा है एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया था, एक हम लोग को बी में दिया है, बी में बोलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, और बोलते हैं भाई ये तो डिग्री सेल्सियस में, इसको आप क्या करके दो, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके दो, तो क्या करूंगा बेटा, इसको भी कैसे कन्वर्ट कर लूं, ये डिग्री सेल्सियस का, ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, सेम इधर पे कॉपी कर लेता हूँ, फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, समझ में आ गई बात? करो इसको कन्वर्ट, कितना होगा बोलो जल्दी से, 9/5 डिग्री सेल्सियस की इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना डिग्री दिया है, तो कितना डिग्री दिया है बेटा 30, तो 9/5 × 30 प्लस कितना हो जाएगा 32, तो 5 1 5 6, समझ में आ गई बात? और ये 9 को हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 6 आप लोग को पता है ऑलरेडी कितना होता है, तो ये हो जाएगा 54 प्लस 32, और 54 प्लस 32 कितना होता है 86, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर देखो आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, इधर पे लिखा है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इतने सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया गाइस, तो ये आज का लेक्चर मैं इधर पे एंड करता हूँ। तो अभी क्या, अभी मैंने आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बता दिया, आइडिया दे दिया कैसे लेक्चर्स होती है और कितना डिटेल में और डेप्थ में जाके मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो कल के दिन या परसों के दिन जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ऑनलाइन आऊंगा और ये चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, और जो पीछे के जितने सारे न्यूमेरिकल्स है ना मैं सब ए टू जेड आप लोग को सॉल्व करके दूंगा एकदम इजी में, नंबर ऑफ मोल्स मेन कॉन्सेप्ट आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग पूरे लेक्चर देखो, इसकी प्रॉपरली नोट्स बनाओ, और दूसरी बात इधर पे ये मेरा मोबाइल नंबर है 9029897894, मेरी क्लास का नाम है स्कॉलर हब ट्यूटोरियल, ठीक है? मेरी क्लास कहाँ पे सिचुएटेड है, बाइकल्ला पे है, ठीक है? बाइकल्ला नागपाड़े के नजदीक साकली स्ट्रीट है, ठीक है? उधर पे क्लास है और बेहतरीन पढ़ाई होती है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो आप लोग की 11th साइंस भी निकल जाएगी अच्छे से, 12th साइंस भी साथ ही साथ अच्छे से निकल जाएगी, साथ ही साथ आप लोग जो भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, नीट हो गया, JEE हो गया, या तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आप लोग का जो होता है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसकी प्रिपरेशन भी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, ज्यादा एकदम सीट्स नहीं है, तो जल्दी से आप लोग आओ अपना रजिस्ट्रेशन करो, और आप लोग ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं तो आप लोग आओ, और हम लोग 11th का पोर्शन भी करेंगे और साथ ही साथ हम लोग 12th जल्दी स्टार्ट करेंगे, और बड़ा मजा आएगा 12th में मेरे साथ, बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? तो चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।